अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज फाइनली आपके भाई जा रहे हैं वापस कश्मीर। तो इतने ही दिन थे यार सियालकोट में, अब जी तो अब तो अपना सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आज का हमारा सफ़र हो चुका है शुरू सियालकोट से रावलपिंडी तक का। खैर अभी मैंने जाना है लारी अड्डे क्योंकि यहाँ से थोड़ा मेरा घर दूर है जो है सियालकोट का मेन लारी अड्डा बस स्टैंड। तो अभी 20-25 मिनट लगेंगे मुझे बस स्टैंड तक, फिर वहाँ से आगे मिलेगी मुझे फैज़ाबाद की गाड़ी। तो अभी हमने पहुँचना है पहले, आपको पता ही है ना बार बार क्या रिपीट करूँ। खैर जी वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना क्योंकि आपके भाई के चैनल पे नए नए मज़े मज़े के ज़्यादा कश्मीर के नीलम वैली के व्लॉग्स आपको मिलेंगे भाई। क्योंकि ये पाकिस्तान में मैं बहुत कम रहता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही कश्मीरी, तो ज़्यादा व्लॉग्स आपको कश्मीर के ही मिलेंगे। तो गाइस टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपका भाई पहुंचने वाला है बस स्टैंड पर। बस थोड़ा सा सब्र कर लो यार, ये पता नहीं मैंने इतने चक्कर नहीं लगाए, 3-4 चक्कर ही लगाए हैं सियालकोट के। तो खैर मुझे पता नहीं ये कौन सी जगह है ये कौन सी जगह, पर यार एडजस्ट कर लो। अगर किसी को पता है कोई है सियालकोट के रहने वाला तो वो मुझे बता दे भाई ये जगह है ये जगह है। तो खैर जी अब मुझे इतना पता है कि सियालकोट मेन शहर में आ गए क्योंकि ये जो रोड आपको नज़र आ रही है आइडिया हो जाता है ना। तो बस स्टैंड पर भी आपका भाई पहुंच आया, अब हमने लेना है टिकट। जाहिर सी बात है भाई फ्री में तो जाएंगे नहीं, टिकट तो लेना पड़ेगा। अब मुझे कोई मज़े की गाड़ी मिल जाए ना तो बस चस आ जाए। आपके भाई को सीट मिल चुकी है, दोनों भाई हैं भाई, दो भाई हैं आप तो साथ में बताइए। फ्रंट सीट मिल चुकी है, ये रही हमारी गाड़ी, ये वाली जो खड़ी है ये इस गाड़ी। सीट वगैरह तो आगे मिल गई क्योंकि रश इतना था नहीं सुबह सुबह के टाइम। हम हैं तीन लोग, मैं और भाई साथ में छोटी है भतीजी। तो अब सियालकोट लारी अड्डे से आगे का सफ़र हमारा शुरू होता है फैज़ाबाद तक का। तो चलो फिर एंजॉय करते हैं कैसा सफ़र रहता है हमारा। मैं तो बोलता हूँ यार आप मेरी आवाज़ सुन सुन के थक गए होंगे, चलो आपको साउंड के साथ एंजॉय करवाता हूँ। नहीं भाई म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं, हराम है। गाड़ी का साउंड चेक करो, शोर चेक करो, म्यूज़िक तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगा।
ख्वातीनों हज़रात अपना अपना सामान देख लें क्योंकि आपकी गाड़ी पहुंचने वाली है फैज़ाबाद। इस जगह को देख के आपको याद आ गया होगा कि भाई बंदा पहुंचने वाला है अब मंजिल मकसूद पर। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमारी ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार कर दो फिर लाइक, इंतज़ार के बाद को और कमेंट करके बताना कि यार रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके और ये मेरा व्लॉग देख कहाँ से रहे हैं आप। तो भाई को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह नीलम वैली में आपको बहुत मज़े मज़े की जगह पे लेके जाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा, रत्ती गली, अड़ंग, केल, ताओ, बड़, यार हर जगह लेके जाऊंगा। बस भाई को चाहिए थोड़ी सपोर्ट आप लोगों की। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना, और हो सके तो यार बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी गरीब का इफ्तारी करवा देना। अरे मजाक कर रहा था यार, आप लोगों को पता है जिसको करवानी है नहीं करवानी, बहरहाल वैसे ही मैंने बोला। बाकी बातें साइड पर, बहरहाल वीडियो को लाइक लाजमी करना यार।